हेलो दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल ऑनलाइन जस का और इस घंटी वाले आइकन को जरूर टच कीजिएगा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरुण, आप देख रहे हैं ऑनलाइन चेस का। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आज मेरे पास है सैमसंग गैलेक्सी J56 अनबॉक्सिंग के लिए। तो दोस्तों आगे करूंगा इसकी अनबॉक्सिंग, उससे पहले बता दूं आपको चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा बिकॉज काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियोज मैं आपके लिए लेके आता रहता हूं। बॉक्स पर बात करें दोस्तों, यहाँ पे आगे की तरफ दी हुई है ब्रांडिंग सैमसंग गैलेक्सी J56, काफ़ी सारे एनिमेशन और कार्टून से भरपूर बॉक्स पर दिया गया है रंग बिरंगा सा। और यहाँ पे दोस्तों पीछे की तरफ आपको मिलेगा सैमसंग गैलेक्सी J56 अल्ट्रा डेटा सेविंग मोड, HD सुपर एमोलेड डिस्प्ले, फ्रंट LED फ्लैश और 1.2 GHz क्वाड-कोर प्रोसेसर, 5.2 इंच की सुपर एमोलेड डिस्प्ले, 13 MP रियर कैमरा, 5 MP फ्रंट कैमरा, 2GB रैम मिलेगी, 16GB इंटरनल मेमोरी। और दोस्तों बात करें यहाँ पर अल्ट्रा डेटा सेविंग मोड, अल्ट्रा पावर सेविंग मोड, सारे के सारे सैमसंग वाले फीचर्स आपको मिल जाएंगे। और दोस्तों बॉक्स पर प्राइस की बात करें तो प्राइस दिया हुआ है 13,290 रुपये। और दोस्तों मॉडल नेम है जो है J56, यहाँ पे J510B इसको कहते हैं। दोस्तों फरवरी 2017 की मैन्युफैक्चरिंग दी हुई है बॉक्स के ऊपर। ऊपर की तरफ यहाँ पे स्टिकर दिया हुआ है इंडियन सिम कार्ड ओनली, नीचे दिए हुए हैं IMEI नंबर्स। और दोस्तों फटाफट मैं करता हूँ इसको अनबॉक्स, दिखाता हूँ क्या क्या कंटेंट्स मिलते हैं आपको बॉक्स के साथ में। उससे पहले दोस्तों एक बार नज़र डाल लेते हैं इसके प्राइस पर, कितने का मैंने ख़रीदा है। तो दोस्तों यहाँ पर 9,590 रुपये का मैंने इसको परचेस किया है अमेजन सेल के दौरान। दोस्तों आप भी ऐसी डील्स खरीदना चाहते हैं तो मेरे सोशल प्लेटफॉर्म्स पर जाके लाइक कर दीजिएगा मेरे पेज को, जैसे कि सारे लिंक्स आपके डिस्प्ले पर शो कर रहे हैं और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। तो दोस्तों फटाफट मैं करता हूँ इसको अनबॉक्स, दिखाता हूँ कैसा दिखता है फ़ोन। दोस्तों मैंने ऑर्डर किया था इसका गोल्ड वेरिएंट, तो दोस्तों यहाँ पे कटिंग एज डिजाइन मिलता है फ़ोन के साइड्स पर। सामने आपको देखने को मिलती है इसमें फ्रंट LED, साथ में कुछ सेंसर्स और फ्रंट में दिया हुआ है 5 MP का कैमरा। डिस्प्ले दिया हुआ है एमोलेड, तो देखने में काफ़ी अच्छा है। बैक में देखेंगे तो 13 MP का रियर कैमरा, बराबर में दोस्तों स्पीकर और साथ में दिया हुआ है LED फ्लैश। एक बजट डिवाइस होने के बाद भी इसमें काफ़ी सारे अच्छे फीचर्स आपको मिल जाते हैं, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर इसका बिल्ड मटेरियल भी काफ़ी अच्छा है। तो दोस्तों यहाँ पर नीचे की तरफ जो दोस्तों ड्रॉबैक है वो भी बता देता हूँ आपको। यहाँ पे जो आपकी बैक और रिसेंट वाली कीज़ हैं इनमें बैकलिट LED नहीं है। फ्रंट में आप देखेंगे तो यहाँ पे एक प्लस पॉइंट है इसका फ्रंट LED फ्लैश। पीछे भी दोस्तों LED फ्लैश दिया हुआ है 13 MP के कैमरा के साथ। और दोस्तों कटिंग एज डिज़ाइन है तो फ़ोन देखने में काफ़ी सुंदर लगता है। लेफ्ट साइड में यहाँ पर मिलते हैं आपको वॉल्यूम रॉकर, अप एंड डाउन सेपरेट बटन्स, और राइट साइड में आपको मिलता है पावर बटन जो कि आपको डिस्प्ले ऑन ऑफ करने के लिए भी यूज़ कर पाएंगे। नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे 3.5 mm का ऑडियो जैक और माइक्रो USB पोर्ट और एक माइक। दोस्तों फ़ोन ओवरऑल देखने में काफ़ी अच्छा है और 10,000 के प्राइस में काफ़ी अच्छा है। तो दोस्तों यहाँ पर दोस्तों नज़र डालते हैं और क्या क्या मिलता है आपके फ़ोन के साथ में। तो दोस्तों यहाँ पर मिल रहा है एक वाइट कलर का ट्रैवल एडाप्टर। तो दोस्तों यहाँ पर इसका जो दिया हुआ है 5 वोल्ट और 1.55 एम्पीयर का चार्जर है, तो यहाँ पे कोई फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट नहीं है, बेसिक चार्जर है जैसे कि सारे के सैमसंग के स्मार्टफोन्स के साथ मिल रहा है। तो दोस्तों चार्जिंग भी ठीक ठाक ही हो जाएगी इसके साथ में। यहाँ पर दोस्तों एक डेटा केबल मिलती है जिसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी रहती है, लेकिन दोस्तों अभी जो दोस्तों रिव्यूज़ वगैरह आ रहे हैं डेटा केबल को लेकर, तो अप्रॉक्स 6 मंथ में दोस्तों सैमसंग की डेटा केबल्स वगैरह जो हैं वो ख़राब हो जा रही हैं, तो 6 मंथ के बाद आपको ये हो सकता है चेंज करानी पड़े। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बैटरी भी मिल जाती है काफ़ी बड़ी, तो इसका बैकअप भी काफ़ी अच्छा मिल जाता है आपके फ़ोन का। तो सिंपली दोस्तों यहाँ पर मैं बाहर निकलता हूँ, इसको दिखाता हूँ कितने mAh की बैटरी आपको इसके साथ में मिल रही है। 3100 mAh की बैटरी मिलती है इसके साथ में। तो दोस्तों इसका बैटरी बैकअप भी ठीक ही रहने वाला है बिकॉज डिस्प्ले का साइज़ जो है 5.2 इंच है, तो दोस्तों बैटरी अच्छे से बैकअप दे पाएगी। साथ में दोस्तों ईयरफोन्स मिलते हैं आपको यहाँ पे, एक बेसिक ईयरफोन्स जैसे कि सैमसंग के सारे स्मार्टफोन्स के साथ मिलते हैं, वाइट कलर्स के कुछ ऑर्डिनरी डिज़ाइन जो कि सैमसंग के सारे स्मार्टफोन्स के साथ ही मिल रहा है। तो दोस्तों और बॉक्स के साथ यहाँ पे देखते हैं तो कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों फटाफट मैं इसको निकाल कर दिखा देता हूँ आपको कैसा है अंदर, क्या दिखाया हुआ है इसमें। तो दोस्तों
दोस्तों यहाँ पर मिल जाएगा आपको डुअल सिम का सपोर्ट प्लस माइक्रो एसडी कार्ड भी यहाँ पे आप लगा सकते हैं, मतलब कि यहाँ पे हाइब्रिड सिम का सिस्टम नहीं है। और पीछे दोस्तों यहाँ पे बैक पैनल में एनएफसी का सपोर्ट भी मिल जाएगा इस फ़ोन के साथ में। इस बैक पैनल को दोस्तों कर देता हूँ मैं अटैच और ऑन करके दिखाता हूँ डिवाइस में आपको क्या क्या मिलता है। बॉक्स के साथ में मिलती है एक क्विक स्टार्ट गाइड दोस्तों, जिसके बारे में आपको बताना भूल गया, आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। वैसे दोस्तों पता है आपको कैसे फ़ोन यूज़ करना है, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ने वाली वैसे इसकी, तो दोस्तों इसको साइड में रख देते हैं। और दोस्तों फटाफट मैं कर देता हूँ फ़ोन को ऑन और दिखाता हूँ कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है आपको, एंड्रॉयड का कौन सा वर्जन मिलता है। दोस्तों डिवाइस हो चुका है ऑन, फटाफट मैं करता हूँ इसको क्विक सेट, दिखाता हूँ इसमें और क्या क्या आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों डिवाइस हो चुका है ऑन और दोस्तों यहाँ पे कुछ इस टाइप से यहाँ पे फीचर्स वगैरह मिल रहे हैं। एनएफसी का सपोर्ट है, अल्ट्रा डेटा सेविंग मोड, अल्ट्रा पावर सेविंग मोड। और सेटिंग्स में दिखा देता हूँ मैं आपको यहाँ पे कौन सा एंड्रॉयड वर्जन मिल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे एंड्रॉयड वर्जन मिल रहा है आपको एंड्रॉयड मार्समेलो। उसके साथ में दोस्तों यहाँ पे कैमरा की क्वालिटी की बात करें तो यहाँ पे एक इमेज कैप्चर करके दिखा देता हूँ मैं आपको कैसी आपको इमेज क्वालिटी मिलने वाली है। साथ में दोस्तों वीडियो के एंड में कई सारे वीडियो सैंपल्स और कैमरा सैंपल्स भी इनमें इस वीडियो के साथ में अटैच किए हुए हैं। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से यहाँ पे कैमरा सेटर टाइम भी काफ़ी अच्छा है और कुछ क्वालिटी की बात करें तो काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे जो फोटो है वो आपका जो है वो पिक्सल इसके ब्लर नहीं हो रहे हैं। और उसके बाद दोस्तों क्वालिटी की बात करें तो फुल एचडी वीडियो वगैरह यहाँ से रिकॉर्ड कर सकते हैं। फ्रंट कैमरा में आप 720 पिक्सल की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। आगे वीडियो मिलेंगे आपको सैमसंग गैलेक्सी J5 6 के कैमरा सैंपल्स और वीडियो सैंपल्स, तो वीडियो कंटिन्यू देखते रहिएगा। और दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे चैनल पर कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड होगा तो वहां पे आपको एक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, आपको पता चल जाएगा कोई लेटेस्ट वीडियो पहुंच चुका है। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जाकर बताइएगा आपको वीडियो पसंद आया या नहीं आया। और अगर आप चाहते हैं किसी भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो मैं आपको दूं तो वहां पे नीचे जाके आप बता दीजिए। और भी कोई आपका सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे पूछ सकते हैं। और दोस्तों अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।